है जो कि मैटरनल मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी को कॉज करता है, ठीक है। और ये कभी कभी ये कन्वर्जेंस के साथ में भी अपीयर होता है हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब ये कन्वर्जेंस के साथ मतलब अपीयर होता है कि जब वुमेन को हाई हाइपरटेंशन हाई, ठीक है, तो हाई बीपी है लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रही है, तो उस कंडीशन में कन्वर्जेंस की कंडीशन भी हो सकती है उसमें, ठीक है। तो हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? हाइपरटेंशन में नेशनल हाई ब्लड प्रेशर एजुकेशन प्रोग्राम 2000 के अकॉर्डिंग जो हाइपरटेंशन है वो बताया गया है कि जो सिस्टोलिक बीपी है वो एटलीस्ट 140 एमएम ऑफ एक्सी से या फिर इससे ज़्यादा हो, या फिर जो डायस्टोलिक बीपी है वो 90 एमएम ऑफ एक्सी या फिर इससे ज़्यादा हो तो वो हाइपरटेंशन बोला गया है, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन की? तो क्लासिफिकेशन में इसकी क्लासिफिकेशन है जैसे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया एंड क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में देखते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन एक ऐसा हाइपरटेंशन है जिसके अंदर जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो प्रेग्नेंट वुमेन में 20 वीक के बाद में अपीयर होती है, ठीक है। और 20 वीक के बाद में अपीयर होती है हाइपरटेंशन की कंडीशन और डिलीवरी के 12 हावर्स के अंदर अंदर ये डिसअपीयर भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें इडिमा या प्रोटीनूरिया ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। उसके बाद में प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है कि इसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है विथ प्रोटीनूरिया एंड एडिमा, ठीक है, आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसके बाद में एक्लेम्पसिया, तो एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि जो ये प्री एक्लेम्पसिया के बाद की कंडीशन होती है एक्लेम्पसिया, ठीक है, जो प्री एक्लेम्पसिया का और भी ज़्यादा सीवियर रूप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें हाइपरटेंशन प्रोटीनूरिया के साथ साथ में कन्वर्जेंस भी प्रेग्नेंट वुमेन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन को तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर ये तीनों आते हैं, ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीएक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया। उसके बाद में हम प्रीएक्लेम्पसिया के बारे में करेंगे। प्रीएक्लेम्पसिया क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन एटियोलॉजी कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू एक्सटेंड टू द 140 बाय 90 एम एम ऑफ एचजी और मोर देन, ठीक है, प्रोटीनूरिया आफ्टर द 20 वीक इन प्रीवियस नॉर्मोटेंसिव पेशेंट। मतलब पहले तो पेशेंट नॉर्मल है लेकिन 20 वीक के बाद में पेशेंट में हाइपरटेंशन की कंडीशन होना, ठीक है, साथ में हाइपरटेंशन भी 140 बाय 90 से ज़्यादा आ
24 आवर का यूरिन है उसके अंदर 300 mg या फिर इससे भी ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो डिपस्टिक करते हैं मतलब जो एक बोल सकते हैं जिसको एक डिपस्टिक आती है जिसके जो कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल मेजर करती है, तो उसमें उसकी रेंज जो 1+ या 1+ से ज़्यादा की उसमें अगर रेंज हमको मिलती है तो वो प्री एक्लैम्प्सिया की कंडीशन आती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर्स में प्री एक्लैम्प्सिया के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा यंग या फिर ओल्डर वुमेन, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर प्री एक्लैम्प्सिया या एक्लैम्प्सिया की कंडीशन हो रखी है, ठीक है, या फिर उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ज़्यादा होगा। अब सेकंड है सीवियर प्री
प्रीएक्लैम्प्सिया। तो सीवियर प्रीएक्लैम्प्सिया में क्या होता है, जो बीपी होता है वो 160/110 mmHg से इंक्रीज रहता है और उसी कंडीशन में परसिस्टेंट रहता है, ठीक है। तो और उसमें क्या क्या होता है सीवियर में, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, यूरिनरी डिस्टर्बेंस होता है, ओलिक्यूरिया होता है, ठीक है, यूरिन की आउटपुट वो कम होगी, लेस देन 400 ml in 24 hours, प्रोटीन एक्सक्रीशन होगा मोर देन 5 g/day, रेटाइनल हेमरेज होगा, ठीक है, और पेपिलेडिमा होगा, ठीक है, और इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ फीटस, ठीक है, और पल्मोनरी एडिमा, ये सब सीवियर प्रीएक्लैम्प्सिया में होगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं हम सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स में माइल्ड सिम्टम्स देखते हैं, उसके बाद में हम अलार्मिंग सिम्टम्स देखेंगे। तो माइल्ड सिम्टम्स में, इसमें माइल्ड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे स्लाइटली स्वेलिंग ओवर एंकल्स, एंकल्स पे स्लाइट स्वेलिंग होगी, ठीक है, और जो रिंग है वो टाइट फील होगी वुमेन को, क्योंकि एडिमा हो रहा है तो उसको रिंग टाइट फील होगी, तो ये जो रिंग टाइट होगी वो जो साइन होगा वो एक अर्ली मैनिफेस्टेशन है प्रीएक्लैम्प्सिया के लिए, ठीक है, और एडिमा है वो ग्रेजुअली बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, और फेस पे होगा, एब्डोमेन पे होगा, धीरे धीरे होल बॉडी पे एडिमा होगा उसको, ठीक है। और उसके बाद में अलार्मिंग साइन, अलार्मिंग साइन में क्या मतलब है कि ये अलार्मिंग साइन है, इसके बाद में वुमेन के लिए डेंजर हो सकता है, फीटस के लिए भी डेंजर हो सकता है। तो अलार्मिंग साइन क्या क्या होता है, जैसे कि अलार्मिंग साइन हो सकता है एक्यूट ऑनसेट हो, ठीक है, मतलब डिजीज़ जो एक्लैम्प्सिया वो अगर एक्यूट ऑनसेट अगर होगा उसका, तो उसमें ये साइन हो सकता है देखने को मिले, तो उसमें क्या होगा, सीवियर हेडेक होगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस स्लीप में डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट डिमिनिस्ड होगा, अर्ली एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और ब्लर्डिंग या फिर डिमिनिस्ड विजन होगा वुमेन में, ठीक है। अब साइन क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स हमने देखे, साइन में होगा एबनॉर्मल वेट गेन, एबनॉर्मल वेट गेन होगा, राइज ऑफ बीपी, बीपी में बीपी राइज होगी, और पल्मोनरी एडिमा, ये सब सिम्टम्स हमको हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, आयुजिया हो सकता है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है,
एस्फिक्सिया हो सकता है या फिर प्री मैच्योरिटी हो सकती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं एक्लेम्शिया का। Yeah.